गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन आईएससी 2010 में पूछा गया था। आईएससी 2010 में ये क्वेश्चन आया था। यहां देखिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। बहुत सारा रेशियो निकालना है एनी फूड लिमिटेड का। एक नंबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, से स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, करंट रेशियो। सेवन रेशियोज निकालने को बोला है। ये देखिए आपके सामने डिटेल्स में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा है। ओल्ड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां देखिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में हेल्प होगा। यहां देखिए आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है, जो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने में हेल्प होगा। यहां से हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। ऐसे रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुत सारा डिटेल हमको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा और कुछ डिटेल देखिए बैलेंस शीट से मिल जाएगा। ये देखिए बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है। ये चारों का चारों करेंट एसेट है, दैट इज करेंट एसेट को इसको ऐड करेंगे करेंट एसेट आ जाएगा। ये देखिए ये करेंट लायबिलिटी है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है डिवेंचर। ये हम लोग का शेयर होल्डर फंड्स है। तो ऐसे करके सारा इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट और पीएल में दिया हुआ है। रेशियो को सोल्व करना है। रेशियो को सोल्व करने का बेस्ट वे होता है, आप पहले रेशियो का फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन में उसको खोजो, मिल गया फिलअप करो, देन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, तो सबसे पहले एक नंबर पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। नंबर वन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अगर इसका फॉर्मूला सोचे तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अच्छा, दो नंबर पूछा था नेट प्रॉफिट रेशियो, सिमिलर फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। दोनों फॉर्मूला हम एक साथ लिख दिए, एक ही जैसा। इसलिए यहां देखिए आप ये ट्रेडिंग पीएल को देखिए ध्यान से। ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं तो ये है 68,000, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगा। और नेट प्रॉफिट देखिए 25,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, नेट प्रॉफिट 25,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 68। इससे दोनों एक साथ सोल्व हो जाएगा। ये आपके सामने रख दिए, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, ये 68,000 इंटू 100। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, आंसर आएगा 73.53%। ये एक आंसर हुआ। अच्छा, आपको दिखाए थे नेट प्रॉफिट 25,000 डिवाइडेड बाय 68,000 इंटू 100, इसका आंसर आएगा 36.76%। ओके, तीन नंबर में पूछा गया था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नंबर थ्री वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने वही सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। हम लोग को पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल 68 है। अब वर्किंग कैपिटल मतलब होता है सीए माइनस सीएल। बैलेंस शीट को थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। करेंट एसेट में है स्टॉक, डेटर, बैंक और कैश, दैट इज 95,000। अब करेंट लायबिलिटी में ये 30,000 है, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा आपका 65। चलिए उसको निकाल के कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये थोड़ा सा गैप रखते हैं,
करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स का लिस्ट बाद में भी यूज आ जाएगा। करेंट एसेट में स्टॉक 40,000, डेटर 20,000, बैंक 10,000, कैश 25,000, रिजल्ट 95,000। करेंट लाइबिलिटीज में दो नाम था, बिल्स पेबल 10,000, क्रेडिटर्स 20,000, रिजल्ट विल बी 30,000। अब यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब हुआ सीए माइनस सीएल। सीए आपका आया था 95 और सीएल है 30, तो रिजल्ट हो गया 65। तो यहां फिलअप हो जाएगा 65। ओके, तो यहां 65 फिलअप हुआ तो 68,000 आर डिवाइडेड बाय 65, 1.05 टाइम्स। ओके, इसके बाद सीरियल नंबर 4 था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सीरियल नंबर 4 स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक लिखिए या एवरेज इन्वेंट्री लिखिए। अब हमको इसके बारे में भी सोचना होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 68,000 और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज 50,000, रिजल्ट होगा 18,000। क्लियर है? इसके बाद एवरेज स्टॉक बोलिए या इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, 30,000 और 40,000, ओपनिंग 30, क्लोजिंग 40 बाय 2, रिजल्ट विल बी 35,000। तो ऊपर आ गया 18,000 और डिवाइडेड बाय 35,000, ठीक है, 18,000 और डिवाइडेड बाय 35, ये आ जाएगा 0.51 टाइम्स। सिंपल चार रेशियो सोल्व कर दिए हम लोग। पहले सोल्व कर लिए हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। धीरे धीरे हम लोग हाफ से ज्यादा सोल्व कर लिए। अब इसके बाद अपने को नंबर पांच में है क्विक रेशियो। नंबर फाइव में बोल दिया गया क्विक रेशियो। अगर इसका फॉर्मूला देखे तो करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री बाय करेंट लाइबिलिटीज। अगर आपको याद हो तो करेंट एसेट्स 95,000 आया था। करेंट एसेट्स 95,000 था और करेंट एसेट्स में से हमको माइनस देना है स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो गया यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में 40,000 था, तो माइनस 40,000। और करेंट लाइबिलिटी कैलकुलेट किए थे हम लोग 30,000। ये कैलकुलेट किए हैं, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ये देखो करेंट एसेट्स 95 और करेंट लाइबिलिटी 30,000, इसमें से ये स्टॉक 40,000 माइनस हो गया, तो रिजल्ट आ गया ऊपर 55,000 और डिवाइडेड बाय 30,000।
55,000 डिवाइडेड बाय 30,000 आंसर आया 1.83:1। इसके बाद सीरियल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 में पूछा गया है प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर 6 में पूछ रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड का बात करते हैं और टोटल एसेट्स का बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखो, ये रहा बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स फंड में ये तीनों आएगा, इक्विटी का 1:20, प्रीफरेंस का 30, 1:50 और ये 25, 1.75। और टोटल एसेट्स तो पता ही है 2,35,000। ठीक है, तो टोटल एसेट्स बराबर लिख देते हैं 2,35,000। और शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का 1,20,000, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इसका 30,000, रिजर्व एंड सरप्लस का 25,000, ये आ गया 1,75,000। आइए 2,35,000 पता ही है, तो शेयर होल्डर्स फंड 1,75,000, ये है 2,35,000। इसको अगर डिवाइड देते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.74:1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0.74:1। लास्ट नंबर 7 करेंट रेशियो बोला है, नंबर 7 करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। अगर डाटा आपको याद हो तो करेंट एसेट्स 95 आया था और करेंट लायबिलिटी 30,000 आया था। 95,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 3.17:1। ओके, तो ऐसे करके रेशियो को अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले आपका काम है उसका फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन से उसके डाटा को लीजिए, फिलअप कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।